हेलो गाइस, माय नेम इज़ निमर्श दास। सो आज की वीडियो जो है वो है एक एप्लीकेशन पे लिए। तो एक एप्लीकेशन है जिससे आप आराम से हर लैंग्वेज सीख सकते हैं, हर लैंग्वेज। तो जैसे मैं आपको बता देती हूँ, अंग्रेज, जापानीज, कोरियन, चाइनीज, इटालियन, स्नैप नहीं क्या था, याद नहीं आ रहा मुझे, और क्या था, बहुत सारे, जर्मनी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उस ऐप का नाम है डायलिंगो। मैं आपको दिखा दे रही हूँ कहाँ पर है। तो डायलिंगो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ग्रीन कलर का तोता बना हुआ है, चिड़िया बनी हुई, सॉरी। तो अब आप सबसे पहले चल जाओ प्ले स्टोर, ठीक है। प्ले स्टोर पर जाकर आपने सर्च करना है डी यू, ये सर्च कर लें, ठीक है। फिर ये तो मेरा डाउनलोड हुआ होगा, बस आप डाउनलोड कर लें, और मैंने रिव्यू दिया है बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, डायलिंगो पे चल जाना है, ठीक है। उसके बाद आप देखो क्या करते हो, इसमें आपको सिर्फ सर्च करना है आपको कौन सा वो करना है, ठीक है। तो अभी मेरा तो मैंने 3-4 बार अभी खेल लिया, तो इसलिए मेरा ऐसा आ रहा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि गाइस मुझे जो है जापानीज पढ़ने का बहुत शौक है, और आप सबसे पहले फ्लैग पे चल जाओगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले कोर्स पे जा रही हूँ। तो आपने पहले कोर्स चूज़ करना है, तो मैं इंग्लिश चूज़ करने वाली हूँ। फिर उसके बाद जो आप इंग्लिश में बोल सकते हो, या फिर आपको उसी में पढ़ना है, मतलब कि जैसे आपको लिखा हुआ है व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, मतलब कि इसमें तो पाकिस्तान का है नहीं, तो समझ में आया आप जर्मन ले सकते हो, ये बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं आपको पहले कुछ दिखा दे रही हूँ जो आप लैंग्वेज सीख सकते हो, फ्रांच, फ्रेंच एंड ये वाला है टर्क, स्पेनिच वगैरह बहुत सारे हैं, आप ये सब सीखो। तो मैं सबसे पहले इसमें सर्च करने के लिए तो मैं जर्मन, ओके। तो अब जर्मन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पढ़ना आप लोग एक बार अच्छे तरीके से, मैं आपको जो है गेम खेल कर सिखाऊंगा। सो कुछ चीज़ आपको खुल के, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप सबसे पहले आप इसको टर्न करोगे, ठीक है। ओके, आपने सबसे पहले लिखना है व्हाट हैबिट मैन, मतलब कि आपको अपने उस मैन को मेडिचैन शायद मैन को बोलते हैं, शायद गर्ल को बोलते हैं, यस। ओके, फारू शायद हमें को बोलते। सो मेरी कुछ गलती हो जा रही है, आप लोग बस गेम खेल लेना सही से। और अब हम मुझे चूज करना है स्पेनिश, चाची एक ग्लास पानी पिला दीजिए प्लीज, चाची हटिए। अब एक और एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो, जैसे कि मैं करूँगी फ्रेंच, ओके। चूज अस पार्ट, मैंने ना यही वाला चूज़ किया था शायद, हाँ मैंने यही वाला चूज़ किया था, आप भी यही वाला चूज़ करो फ्रेंच, बहुत ज़बरदस्त है, आप सीख लो क्या, मैंने तो इतना सारी चीज़ सीख ली हूँ। तो सबसे पहले लिखा हुआ है विच ऑफ दिस इज वन, नाइस, ओके। विच ऑफ दिस इज द मैन, आई गॉट ए मैन, यू नो। तो आप इसी तरीके से आप पढ़ सकते हो द कैट, ले कैट, मतलब कि इसमें लिखा हुआ है हमारे इंग्लिश के बारे में, आपको ये मिल रहा है फ्रेंच के बारे में, तो आप ले कैट, क्या लुशा, ले चैट हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये लुशा पढ़ते हैं, तो ऐसे सीख लो।
दूसरा क्या ऐप हमारा आएगा? अंदर में आशा क्या? अगर आपको समझ में आया माइक में अंदर में अब आपको पता चलेगा, जैसे आप क्लिक करते हो इस टाइप से आप मैन एंड एंड चैट मेरा बिल्कुल चाहिए आशा यंदो दोबारा से आ जाओ। बहुत मुश्किल होता है इसको सुनना, मतलब मैं आउट हो गई हूँ इसमें। तो नेक्स्ट पे जाते हैं। विच ऑफ दिस बॉय लिखो। Le garçon ले गार्सन। हम लोग ले कौन से As Ip How you do say boy? Sha Garçon Garçon क्योंकि लाइक गार्सन मैंने पढ़ा था ना उसमें। तो इसी टाइप से आप खेलो गेम और बहुत मजा आता है। आप हम ये Sha ओके एक बार आप खेलोगे आपको बहुत मज़ा आएगा। मैंने भी एक फर्स्ट टाइम चूज़ किया। और टैप में मैचिंग पेयर्स, टैप मैचिंग पेयर्स मीन्स शा गार्सन ए अरे गेम खेलने गेम है तो मैं आउट हो चुकी हूँ। और अब आपने क्या करना है वो मैं बता देती हूँ गाइस। तो एक मिनट। तो इसी टाइप से आप खेल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और डायलॉग आप जल्दी से जाके डाउनलोड करो और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपने डाउनलोड किया या नहीं किया। और डाउनलोड करने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब के बेल बेकन इंग्लिश सही हो जाएगी इससे सब्सक्राइब की नोटिफिकेशन को बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपके पहले आपके पास ज़रूर पहुंचे। थैंक यू। और ये भी बता दीजिए ऑलरेडी नाम फ्रेंच, मतलब कि ये जो आप फ्रेंच सीखे हो तो वो गेम है। तो मैं एक आपको बस करके दिखा देती हूँ, ठीक है? सिर्फ एक खेलूँगी, ज़्यादा नहीं। You are English. मतलब कि जो फ्रेंच सीखे वही होगा। तो यू आर इंग्लिश स्पीक टू लेंस, मतलब कि ये सही है, बस आप खेल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो पसंद आई है।